हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या, आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा वीडियो है जियो में जनन। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो जियो में जनन मेरा टॉपिक है आज का, जो पहला लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इंग्लिश में कहते हैं, और जीवन काल किसे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जियो में जनन जो लेसन है मेरा, वो पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जीवन काल किसे कहते हैं, लाइफ स्पान। ठीक है, तो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है स्टूडेंट, उसे ही हम लाइफ स्पान कहते हैं। ठीक है, जीवन काल कहते हैं। जीवन काल किसे कहते हैं, जो जन्म से लेके जो मृत्यु तक का, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है, जो प्राकृतिक मृत्यु होता है, जो समय होता है बीच में, उसी को ही हम जीवन काल कहते हैं। नेक्स्ट मेरा जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन कहते हैं कि जो अपनी ही जाति को निरंतर बढ़ावा देना ही जनन कहलाता है, यानी अपनी जाति को निरंतर बढ़ा देना ही जनन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए मेरा जनन के प्रकार। पौधे में जनन के प्रकार, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जनन के प्रकार, ठीक है स्टूडेंट, जनन के प्रकार। जनन के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, पहला है लैंगिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। ठीक है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये एनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये सेक्सुअल। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो पहले, सबसे पहले हम जानते हैं कि कायिक जनन कहते किसे हैं। ठीक है, तो कायिक जनन जो अपने ही पॉट यानी अंगों से एक नए पौधे का निर्माण करना ही कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो कायिक जनन हो गया कि अपने ही यानी अंगों से, अपने पार्ट से पौधे, नए पौधे का निर्माण करना ही कायिक जनन कहते हैं। देखिए, कायिक जनन में कौन कौन से कायिक जनन में आते हैं, जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गई, कलिकाएं हो गए, ये कायिक जनन में आएंगे। ठीक है, लैंगिक जनन भी दो तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए कायिक जनन हो गया, आपको बता दिए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट्स होते हैं और अपने जो नए संतान होते हैं उसको उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे कि अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक ही पेरेंट्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अमीबा हो गया, तो ये क्या करता है, एक ही पेरेंट्स होता है, चाहे नर या मादा, एक ही पेरेंट्स होने की क्रिया को ही अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी एक ही पेरेंट्स रहेगा तभी मेरा
जो है जनन हो जाएगा उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट मेरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन कहते किसे हैं जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, जो नए संतति का निर्माण करते हैं उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दोनों पेरेंट्स होते हैं, नर और मादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम। आर्टिफिशियल। देखिए, प्राकृतिक और कृत्रिम, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी नेचुरल, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, प्राकृतिक में देखिए आता है जड़ आ गया, तन आ गया। ठीक है, जड़ों द्वारा और तनों द्वारा, तो जड़ों द्वारा और तनों द्वारा में होता है कृत्रिम में। और कृत्रिम में होता है जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण करना। तो जैसे कोई पौधा अगर हम छोट रहता है उसे हम क्यारी बनाकर उसमें पहले हम लगाते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे प्लांट में ले जाते हैं, जिसे कि रोपण विधि भी कहते हैं उसे। और कृत्रिम यानी कलम लगाना, जैसे हम गुलाब का फूल ले लिए, जो गुलाब का डंठल होता है उसे हम काट कर तिरछा जमीन में जब उसको लगा देते हैं तो वो क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसे ही मतलब कृत्रिम, वो कृत्रिम विधि द्वारा हो रहा है तो उसे ही कृत्रिम जनन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मेरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही होता है जैसे युगलीना। ठीक है, जिसमें एक ही पेरेंट्स का होना जरूरी होता है, या चाहे नर या मादा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहते किसे जिसमें हम आपको बता दिए पहले ही, तो इसमें होते हैं नर और मादा। नर और मादा जब, देखिए हम आपको बता रहे इसमें नर मादा। ठीक है, इसमें हो गया नर और मादा, इसमें नर या मादा। ठीक है, चाहे नर होगा अलैंगिक में, चाहे मादा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक, इसमें लैंगिक में नर और मादा दोनों। ठीक है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम नर मादा, ठीक है, नर और मादा लेते हैं। बताए थे ना लैंगिक में नर और मादा यानी दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है। नर में क्या होता है? शुक्राणु। मादा में क्या होता है? अंडाणु होता है, इसमें शुक्राणु होता है। जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो ये क्या होता है? नर नर युग्म। ठीक
जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो ठीक है स्टूडेंट, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है जो एक नए संतति का उत्पन्न होता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर।